जन अधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल सलाम खान उर्फ मुन्ना खान अपने कार्यकर्ताओं के साथ हायाघाट विधानसभा के बाढ़ग्रस्त इलाकों घरारी पूर्वी टोला पछिया टोला जाकर हजारों परिवारों को सूखा राशन एवं तिरपाल वितरण किया। साथ ही उन्होंने कहा कि अब तक सरकार की कोई भी सहायता बाढ़ पीड़ितों के बीच नहीं पहुंची है, ये बड़ी विनम्रता है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने सिनिया पहुंचकर बाइक की सवारी शुरू की, बांध पर विस्थापित बाढ़ पीड़ितों से मिले और हायाघाट के मुंडा पुल तक पहुंचकर बांध पर रह रहे बाढ़ग्रस्त लोगों को आर्थिक मदद दिया। साथ ही उन्होंने दो चापाकल के लिए अलग से राशि भी दी ताकि बाढ़ के कारण विस्थापित परिवारों को पीने का पानी मिल सके। ज्ञात हो कि बांध पर विस्थापित परिवार अमरडीहा श्रीनिया घरारी अकराहा नया टोला के लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस जाने के कारण वो लोग रेलवे लाइन पर रहने को मजबूर हैं। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के साथ पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान विस्थापित परिवारों से मिले। वहां से आने के बाद हायाघाट बांध से होते हुए हथौड़ी कोठी पहुंचे, जहां बहुत सारी परिवारों से मुलाकात की और चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि सरकार ने 15 सालों में कोई काम नहीं किया है, सिर्फ जुमलेबाजी की है। एक हफ्ते का बच्चा है और पीलिया हो, और इस व्यक्ति को भाई के बच्चे के लिए यह व्यक्ति 10 किलोमीटर से ऊपर चल के डॉक्टर के पास जाता है। यही हालात है हिंदुस्तान का और इन आदमखोर नेताओं का। बस यही सवाल है पप्पू यादव का, नंबर मुन्ना खान नंबर जीते जी लोग मर चुके हैं, फिनिश्ड हो चुके हैं। न चापाकल है, डॉक्टर्स की व्यवस्था न नाव की व्यवस्था है, न राशन की व्यवस्था है, न कैंपिंग की व्यवस्था है, न पन्नी की व्यवस्था है और न अभी तक बाढ़ क्षेत्र घोषित किया गया। इन नेताओं को एक सप्ताह पूरे परिवार को इस डेंगू नौ पर रखने की जरूरत है। मौत का खौफ नेताओं को देखने की जरूरत है, भूख का आलम नेताओं को देखने की जरूरत है, बांध टूटने का डर और खौफ नेताओं को देखने की जरूरत है। नया बिहार सरकार को सलाह दी कि आपकी इच्छा शक्ति मर चुकी है और बिहार सरकार के पदाधिकारियों को सलाह दिया है कि आपको बिना डर और भय के निडर होकर के बिहार बचाने के लिए अपनी बात रखनी चाहिए। अब आप सोच लीजिए, जो हेल्थ सेक्रेटरी खुद थे, कैबिनेट सेक्रेटरी थे भारत सरकार में, और उन्होंने सीधा कहा है कि बिहार में इच्छा शक्ति की सख्त अभाव है, जिसके चलते कोरोना वायरस और बाढ़ की स्थिति विदारक। मैं बिहार सरकार को एक नेक सलाह देना चाहता हूं कि यदि आपकी इच्छा शक्ति मर चुकी है, ये दुनिया ने देखी, आपकी नियत समाप्त हो चुकी है, तावे पर रोटी को छोड़ दिया जाता है तो वो जल जाता है, वही हाल 15 सालों में सुशासन का, वो जल चुका है, आत्मा मृत हो चुकी है, ब्लैकमेलर है या सरकार और पॉलिटिशियन सौदा करती है, इमोशंस के साथ खिलवाड़ करती जा रही है। सिर्फ 15 दिनों के लिए पप्पू यादव को हेल्थ हाथ में दे दे, 15 दिन। यदि 15 दिनों के अंदर कोरोना वायरस का खौफ बिहार से नष्टो नाबूद नहीं हुआ तो मैं राजनीति छोड़ूं।